सबके बारे में आपको थोड़ी सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब तक की सबसे अवेटेड एंड सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो आपके सामने है BS6 अपाचे RR310 वर्सेस मेरी BS4 अपाचे RR310। सो लुक्स के बारे में बात करूँ तो BS6 पहले ही जीत चुका है बिकॉज इसके लुक्स काफ़ी खूबसूरत है कंपेयर करें तो। एंड ये गाड़ी आदित्य भाई की है तो उनको बहुत थैंक्स, एंड कुंदन भाई भी हमारे साथ है। सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इन दोनों का ड्रैग रेस, पर उससे पहले मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की कि इसमें जो मेटजिलर के टायर लगे हैं वो काफ़ी हैवी लग रहे हैं। मेरे में एक्चुअली अपोलो अल्फ़ा के टायर लगे हुए थे नए वाले, सो ये काफ़ी हैवी फील दे रहा है और लुक्स भी काफ़ी हैवी है। एंड मैंने अपोलो के लगवाए थे, थोड़े चीप थे, एंड ग्रिप दोनों टायर का बढ़िया है, आप कोई सा भी टायर लगाइए। बाकी इसमें चार राइडिंग मोड है, अभी हम लोग ट्रैक मोड में ड्रैग रेस करेंगे क्योंकि वो सबसे पावरफुल मोड है एंड इसमें ABS भी काफ़ी एग्रेसिव है। सो BS6 होने की वजह से और एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पावर ड्रॉप होगी क्योंकि एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत होता है बाइक को। एंड ऑन द पेपर तो बहुत ही अच्छा काम किया है TVS ने कि 34 PS पावर तक जनरेट करती है, पर टॉर्क थोड़ा कम है। एंड थोड़ा राइडर वेट में भी इस समय डिफरेंस है अराउंड 20 से 30 kg का। सो देखते हैं परफॉर्मेंस में थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा उससे, बाकी हम लोग राइडर एक्सचेंज करके भी देखेंगे। तो चलिए अब ड्रैग शुरू करते हैं। मजा आ गया, मतलब एकदम बराबर चल रही है दोनों, कर दीजिए एकदम बराबर थी, हेड टू हेड ऐसे चल रही थी। और ये बीच में आगे निकले थे, ये किए थे स्लिप स्विमिंग, हम बता मैं पीछे हुआ था क्योंकि ट्रक थी, मुझे पता है इसलिए थोड़ा पीछे हुआ था। तो उसकी वजह से तुमको विंड ड्रैग जब नहीं मिला ना तुम आगे चले गए। हाँ, बट एकदम बराबर आके दोनों आइडल हो गई, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। एंड इवन 30 kg का भी डिफरेंस है पूरा। 30 kg घंटा कितना है तुम्हारा? मेरा 102 है, मेरा 90 है। तो बैग और राइडिंग जैकेट, अरे इतना कितना केजी होगा ये? अब मैं कल से जिम जा रहा हूँ। तो गाइस हम लोग राइडर चेंज करने जा रहे हैं, जैसा आपने देखा एकदम बराबर थी दोनों, कोई चेंजेस नहीं लगा। बाकी एक बार राइडर चेंज करके देखते हैं, फिर आपको फाइनली बताता हूँ मैं कि क्या चीज़ें है डिफरेंस। और ऑफकोर्स ये बात है कि इसमें जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, और जो गियर चेंजिंग है वो काफ़ी स्मूथ है इस कंपैरिजन के इसके। बहुत कर दिए, गाड़ी बहुत स्मूथ है। हाँ बहुत स्मूथ है, मैं अभी चलाता हूँ फिर आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। और
few inches later. तो गाइस अभी ये क्या है ना, ये रीमैच के लिए बोल रहे हैं। हाँ भाई वो फेयर नहीं था, मतलब थोड़ा होता है। कभी कभी हो जाता है। आई एम नॉट ए प्रो राइडर लाइक यू। हाँ सही बात है, शिफ्टिंग नहीं सही हुई थी। हमेशा इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। नहीं भाई सही बात है, ये बाइक आगे निकल जा रही, जो थोड़ा पावर है और 30 किलो का अंतर है वो दिख रहा है इस बाइक पे। ऐसा तो मुझे नहीं, पहले लॉन्च में ऐसा नहीं हुआ था। नहीं यार, क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर इसमें पावर थोड़ी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में और इसमें हैवी राइडर बैठा है तो ये दोनों बराबर चल रही है। पावर ज्यादा नहीं है। हाँ पावर ज्यादा नहीं, थोड़ी रिफाइंड टॉक इसकी वजह से, और कैटलिक कन्वर्टर लगा इसकी वजह से थोड़ा स्लो है। मतलब जो एयर निकलती है ना, जिस स्पीड से एयर इससे जो निकल के आगे जो निकलती है गाड़ी, कैथोलिक कन्वर्टर की वजह से वो स्टॉप हो जाती है एंड उसके वजह से। लेकिन टॉप एंड कम नहीं है, टॉप एंड बराबर है, 163 हाँ, पर जो इनिशियल है उसमें निकल जा रहा है, इनिशियल में निकल रही है। हालांकि मेरे लॉन्च में नहीं निकली थी, मेरे लॉन्च में हम भारी थे ना तो बाइक भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही थी। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं है। चलिए ये वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। फिर गिरा तुम यार। भाई साहब हेलमेट हमेशा पहन, कैमरा इज नॉट सेफ, कैमरा इज नॉट सेफ विथ यू। अबे तो इतना ऊंचा है तो कैसे चलेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो BS6 नॉर्म की वजह से BS6 में थोड़ी पावर ड्रॉप होती है एंड BS4 को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बाकी राइडर वेट का आपने देख ही लिया है क्या इफेक्ट पता है ड्रैग रेस पे, एंड कल से हम लोग जिम जा रहे हैं एंड ये बात कंफर्म है। ये दोनों बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है एंड BS6 में ज़्यादा अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है और इसमें थोड़ा पावर ज़्यादा मुझे लगा एंड रिफाइनमेंट तो गाइस BS6 का ही बेहतरीन है। सो गाइस कैसी लगी ड्राइव आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ चीज़ें बता दूँ RR310 फैंस के लिए कि ये जो BS6 बाइक है भाई बवाल है। मतलब जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स राइड बाय वायर से आपको मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्स आप चाहेंगे कि BS4 में मिले। और जो चीज़ें हाँ राइड बाय वायर है इसमें देखो, यहाँ पे कोई भी, मैं उस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी वायर्स नहीं गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वायर गए हैं, कोई भी केबल नहीं गया है यहाँ पे। तो ये राइड बाय वायर है एंड जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो लाजवाब है, आप इसका कंपैरिजन इसके साथ कर ही नहीं सकते हैं। राइड बाय वायर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो क्लच इसका काफ़ी लाइट है, बहुत लाइट है अगर कंपेयर करें मेरे क्लच से। तो स्लिपर क्लच है इसमें, मेरे में अभी तक नहीं लगा है। और शिफ्टिंग इसकी बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सो आप देख सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे ट्रैक एंड अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड ट्रैक मोड सब एक्टिवेट हो चुके हैं। ये फर्स्ट सर्विस हो चुकी है इस बाइक की एंड काफ़ी अच्छी लग रही है यार। मैं सोच रहा हूँ कुंदन भाई ये ले लूँ क्या, एक्सचेंज कर लूँ, क्योंकि भाई वर्थ इट है BS6 पे स्विच करना। सो लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और भी व्लॉग्स आते रहेंगे क्योंकि अब मैं लखनऊ में हूँ। एंड कैसा लगा ये मुझे
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इंस्टाग्राम का हैंडल इस पर डिस्प्ले हो रहा होगा इस समय, एंड यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।